हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आमिया अलवीरा। वेलकम बैक टू स्टेज टू एक्सीलेंस। आज हम एक नया कोर सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे, पेडागॉजी ऑफ ज्योग्राफी। ये सब्जेक्ट सिर्फ बीएड ही नहीं बल्कि सीटेट, टेट, यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, टीचर बनने के लिए हर एक सब्जेक्ट को इनडेप्थ स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर एज अ टीचर आपको ही सब्जेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो अपने स्टूडेंट्स को कैसे सिखाओगे, राइट? आई एम श्योर जो भी हमारे व्यूअर्स है अभी तक, हर किसी ने स्कूल में ज्योग्राफी सब्जेक्ट को पढ़ा था। लेकिन हम लोगों ने क्या सोचा था, हम अभी तक क्या सोचते आए हैं कि ज्योग्राफी का मतलब क्या है? रिवर्स, स्टेट्स, कैपिटल्स का नाम याद करना, बस इतना ही इनफ है? ज्योग्राफी बस इतना ही है? नहीं, आज हम ज्योग्राफी को बहुत ही ब्रॉडली डिस्कस करेंगे और इसका जो असल मायने है, क्या है एक्चुअली ये सब्जेक्ट, इसे जानने की कोशिश करेंगे। पर उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारे वीडियोस पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। इस वीडियो को एंड तक देखते रहे सो दैट आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ना मिस हो जाए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी वर्ड का क्या मीनिंग है? ठीक है, ज्योग्राफी जो वर्ड है इसको हमने ग्रीक वर्ड से डिराइव किया है। दो ग्रीक वर्ड्स को मिलाकर हमने ज्योग्राफी वर्ड बनाया। पहला ग्रीक वर्ड है जियो, जिसका मतलब है अर्थ। दूसरा ग्रीक वर्ड है ग्राफ, जिसका मतलब है डिस्क्रिप्शन। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि ज्योग्राफी जो है वो डिस्क्रिप्शंस ऑफ द अर्थ सरफेस है। ठीक है, ज्योग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ पीपल, देयर एक्टिविटीज़, प्लेसेस एंड फिजिकल थिंग्स विद इन द अर्थ। मतलब ज्योग्राफी में हम जो ह्यूमंस हैं उनके जो एक्टिविटीज़ है, जो प्लेसेस है अर्थ में, फिजिकल फीचर्स है या फिजिकल थिंग्स है लाइक माउंटेन्स, ओशंस, ये सब, इन सब के स्टडी को हम फाइनली ज्योग्राफी कहते हैं। अब ज्योग्राफी जो वर्ड है, इस वर्ड को एरिस्टोथेनेस ने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। ठीक है, इसीलिए उन्हें, एरिस्टोथेनेस को हम फादर ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं। इन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी इसीलिए भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ज्योग्राफी वर्ड को यूज़ किया था फर्स्ट टाइम। और सिर्फ इन्होंने ज्योग्राफी वर्ड ही नहीं बल्कि इन्होंने जो अर्थ का सर्कमफ्रेंस है इसे भी कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो ये था एरिस्टोथेनेस का कॉन्ट्रीब्यूशन ज्योग्राफी के लिए। नेक्स्ट, अब इसके ब्रांचेस को देखते हैं। ज्योग्राफी को दो ब्रांच में एक्चुअली डिवाइड किया गया है। सबसे पहला ब्रांच है फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, जो मतलब फिजिकल फीचर्स है अर्थ के उनको डिस्कस करता है, जैसे कि माउंटेन्स, वैलीज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशंस एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर आती है। और दूसरा ब्रांच है ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में जितने भी मैनमेड फीचर्स हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, जैसे कि सेटलमेंट्स, एग्रीकल्चर, माइनिंग, ट्रेडिंग, फिशिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा, ये सारे हम डिस्कस करते हैं। तो ज्योग्राफी को दो तरीके से देखा जाता है, एक फिजिकल तरीके से और दूसरा है ह्यूमन पर्सपेक्टिव के तरीके से। ठीक है, अब हम ज्योग्राफी के नेचर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक कंप्लीट पिक्चर मिल जाएगा हमको इसमें से कि ज्योग्राफी में एक्चुअल में क्या होता है। पहला पॉइंट, ज्योग्राफी इज़ बोथ अ नेचुरल एंड अ सोशल साइंस। मतलब भूगोल को नेचुरल और सोशल साइंस मानते हैं क्योंकि इसमें साइंटिफिक हम स्टडी को भी, साइंटिफिक चीज़ों को भी, एस्पेक्ट को भी हम स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि स्पेशियल वर्ल्ड, मतलब स्पेस के अलग अलग एस्पेक्ट्स को ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं। और सोशल साइंस इसीलिए मानते हैं क्योंकि ज्योग्राफर्स जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में भी स्टडी करते हैं, लाइक उनके कल्चर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑक्यूपेशन एक्टिविटीज़ एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट, इन्वेस्टिगेट्स द इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन ह्यूमन एंड इट्स एनवायरमेंट। ज्योग्राफी की मदद से हम अलग अलग पैटर्न, फिनोमिना और प्रोसेस को समझ सकते हैं। इसमें हम ह्यूमन सोसाइटी और उनके फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच के जो रिश्ता है उसे भी इन्वेस्टिगेट करते हैं, ये जानने के लिए कि कब, क्या, कौन सी जगह पे चेंजेस हुआ है और क्यों हुआ है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, मॉडर्न ज्योग्राफी एमर्ज्ड एज अ स्पेशियल साइंस। ज्योग्राफी को अब अर्थ के कैटलॉग जैसा नहीं समझा जाता आज की डेट में। जो ज्योग्राफर्स हैं उन्होंने मॉडर्न ज्योग्राफी को स्पेशल साइंस की जानकारी के रूप में कंसिडर करते हुए कहा है। फॉर एग्जांपल अर्थ का रिवॉल्व होना, उसका रोटेशन होना, मून का रोटेशन, बाकी प्लैनेट्स का रोटेशन, ये सब की जानकारी भी हमें मिलती है। क्योंकि जब हम रोटेशन की बात करते हैं ये सब एक ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। ठीक है, क्योंकि जब ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कौन सा सब्जेक्ट आता है? फिजिक्स। इसीलिए मॉडर्न ज्योग्राफी को स्पेशल साइंस मानते हैं। फोर्थ पॉइंट, ज्योग्राफी इज़ द आर्ट ऑफ मेकिंग एंड स्टडिंग मैप। ज्योग्राफी को आर्ट भी कंसिडर करते हैं क्योंकि इसमें मैप को बनाया और रीड किया जाता है, मैप को इंटरप्रेट करके किसी भी जगह के बारे में पता लगाया जाता है। फिफ्थ पॉइंट,
ज्योग्राफी इज़ अबाउट ऑब्जर्विंग पैटर्न्स एंड अंडरस्टैंडिंग द रीज़न बिहाइंड अ रियल डिफ्रेंसिएशन. पैटर्न्स जैसे कि ह्यूमन सेटलमेंट्स किस तरह से बना, मतलब फॉरेस्ट को कन्वर्ट करके बनाया गया, राइट. तो ज्योग्राफी की वजह से हम कुछ फैक्टर्स के चेंजेस के रीज़न को जान सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, किस तरह से सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक फैक्टर्स में बदलाव आए, कुछ नेचुरल कॉजेज़ की वजह से, कुछ ह्यूमन्स के इंटरफेरेंस की वजह से, ये सब पता लगाया जा सकता है. फाइनली, डिस्कवर्स द लिंकेजेस एंड मूवमेंट्स बिटवीन प्लेसेस. अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस. इंडिया की खोज किसने की थी? वास्को डा गामा. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी प्लेसेस हैं, उनके डिस्कवरीज की जानकारी भी ज्योग्राफी से मिलती है, उनके लिंकेजेस और मूवमेंट का नॉलेज हमको मिलता है, अक्वायर कर सकते हैं हम तक. ठीक है, तो ज्योग्राफी एक बहुत ही बड़ा और वास्ट कंसेप्ट है, क्योंकि इससे जुड़े हम लोग अर्थ से जुड़े सारे चीज़ों को हम इसमें डिस्कस करते हैं. अर्थ के जितने भी डिस्क्रिप्शन है उसे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं. इसकी वजह से ज्योग्राफी का जो स्कोप है वो बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स बन चुका है. इसीलिए हम स्कोप को ब्रॉडली डिस्कस करेंगे, सो दैट आपको डिटेल और स्पेशलाइज नॉलेज मिल जाएगा. तो अब हम वन बाय वन स्कोप ऑफ ज्योग्राफी को डिस्कस करेंगे. सबसे पहला स्कोप है हमारा फिजियोग्राफी. फिजियोग्राफी का क्या मतलब है? फिजियोग्राफी वर्ड को हम यूज़ करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी को डिस्क्राइब करने के लिए. फिजियोग्राफी इज़ द टर्म यूज फॉर फिजिकल ज्योग्राफी. क्यों करते हैं हम ये? क्योंकि ये ज्योग्राफी का एक सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच है, एज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द ओरिजिन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ, सच एज लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट्स, ओशंस एंड नेचुरल रिसोर्सेज. ये ज्योग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच इसीलिए माना जाता है क्योंकि इसमें अर्थ के जो भी फिजिकल फीचर्स है, जैसे कि लैंड फॉर्म्स लाइक माउंटेन्स, प्लेटोज, वैलीज, वॉल्केनोज, ये सारे कंसिडर होते हैं, लैंड, आइस बर्ग्स, ये सब कुछ, और फिर ओशंस मतलब जो भी महासागर है, नदी है, सी है, सब कुछ आता है इसमें, क्लाइमेट और नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में भी सिस्टमैटिकली स्टडी किया जाता है. इसे इंपॉर्टेंट ब्रांच इसीलिए समझा जाता है क्योंकि ये बाकी ब्रांचेस के सोर्सेज है. तो ज्योग्राफी को हम कह सकते हैं, मतलब फिजिकल ज्योग्राफी को हम लोग ज्योग्राफी का सुपर स्ट्रक्चर जिस चीज़ पर बिल्ट है इसी ब्रांच के ऊपर बिल्ट है ऐसा समझ सकते हैं. इसके बहुत सारे अलग अलग सब ब्रांचेज हैं, जैसे कि जियोमॉर्फोलॉजी जो अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्क्राइब करता है, स्टडी किया जाता है जिसमें. ग्लेशियोलॉजी में ग्लेशियर्स के बारे में हम स्टडी करते हैं. हाइड्रोलॉजी में अर्थ में जितने भी वाटर बॉडीज है उनके बारे में हम स्टडी करते हैं. और ऐसे बहुत सारे अलग अलग और भी सब ब्रांचेज हैं. ठीक है, नेक्स्ट स्कोप हम देखेंगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी. आपको तो नाम से ही पता चल रहा होगा इस ब्रांच में हमको क्या डिस्कस करने को मिलेगा. जो भी इकोनॉमिक से रिलेटेड है उस चीज़ के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे. जैसे कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी स्टडीज़ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमंस. दिस कंसर्न्स द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रॉ मटेरियल इन द कंट्री. आप जैसे कि जानते हो अलग अलग मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी जो ह्यूमंस इस दुनिया में रहने के लिए, वर्ल्ड में अपने डेली लाइफ को सर्वाइव करने के लिए करता है, वो सब इसमें कंसिडर किया जाता है. किसी भी कंट्री का हो, फॉर एग्जांपल चाहे इंडिया हो, अमेरिका हो या चाइना हो, हर कंट्री के प्रोडक्शन और रॉ मटेरियल्स के डिस्ट्रीब्यूशन की जानकारी रखता है. ठीक है, इट इंक्लूड्स बोथ पॉलिटिकल एंड फिजिकल इन्फ्लुएंसेस विच ऑपरेट्स ऑन मैंस इकोनॉमिक लाइफ एंड कंडीशंस ऑफ डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चर एंड कॉमर्स. एक आदमी के जीवन में, लाइफ में फिजिकल और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस जो आती है उनके काम काज में उसे इंक्लूड करता है. फॉर एग्जाम्पल, जब हमारी कंट्री में डिमोनेटाइजेशन, कितने बिजनेस को बंद कर दिया था उसकी वजह से, तो ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हुआ. फिजिकल इन्फ्लुएंस जैसे कि किसी भी प्लेस में फ्लड, अर्थक्वेक की वजह से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है ह्यूमंस को, तो उसे फिजिकल इन्फ्लुएंस कह सकते हैं. ठीक है, तो यही सब इन्फ्लुएंसेस के वजह से एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग में फ़र्क पड़ता है, डिफरेंसेस आ गया है. ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक इज अनदर ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी. मतलब इकोनॉमिक ज्योग्राफी का एक और ब्रांच है जिसे हम ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक के नाम से जानते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर से जुड़े चीज़ों को डिस्कशन किया जाता है, स्टडी किया जाता है. हमारा नेक्स्ट स्कोप है ह्यूमन ज्योग्राफी. ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या हम डिस्कस करेंगे? अर्थ के सरफेस में जो भी ह्यूमन बीइंग्स है उनके बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम ह्यूमन ज्योग्राफी मानते हैं. द स्टडी ऑफ पीपल लिविंग इन द अर्थ सरफेस रिफर्स टू ह्यूमन ज्योग्राफी. ये एक ह्यूमन ज्योग्राफी इज अ वाइड रेंजिंग डिसिप्लिन दैट ड्रॉज टुगेदर मेनी ऑफ द स्ट्रैंड्स इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड टुडे. एक ऐसा वाइड डिसिप्लिनरी कंसिडर किया जाता है क्योंकि इसमें पूरे वर्ल्ड के कोने कोने से सारे हिस्सों को जोड़कर
आज के वर्ल्ड को, दुनिया को समझने के लिए हमारी मदद करता है। इसमें इट एग्जामाइंस ह्यूमन सोसाइटीज एंड हाउ दे डेवलप देयर कल्चर, इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स ऑल विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। ह्यूमन सोसाइटीज़ को एग्जामाइन करता है किस तरह से उनका डेवलपमेंट हुआ, स्टोन एज के वक्त में इंसान कैसे जीते थे, किस तरह से वो लोगों का रहन सहन होता था, और अभी कितना आधुनिक डेवलपमेंट हो गया है उसे डिस्कस करते हैं। एनवायरनमेंट के साथ किस तरह को अडप्ट करते हैं खुद को, उनके कल्चर्स क्या है, इकोनॉमी और पॉलिटिकल के इन्फ्लुएंसेस क्या है, किस तरह से उन्होंने उस चीज़ को असर पड़ता है उनकी ज़िंदगी में, और एनवायरनमेंट पे इसका क्या असर पड़ता है, ये सब इस ब्रांच में कवर होता है। नेक्स्ट ब्रांच है पॉलिटिकल ज्योग्राफी। ठीक है, जब हम किसी स्टेट या कंट्री के रिलेशन और उनके ज्योग्राफिकल सेटिंग्स की स्टडी करते हैं उसे हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी कहते हैं। पॉलिटिकल ज्योग्राफी इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल यूनिट्स, दैट इज स्टेट्स एंड रिलेशन टू देयर ज्योग्राफिकल सेटिंग्स। जो स्टेट और उनका जो ज्योग्राफिकल सेटिंग है, जो रिश्ता है, उस चीज़ को हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं। ठीक है, इसे एफ रत्ज़ल, अ जर्मन ज्योग्राफर, इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल ज्योग्राफी। जर्मन ज्योग्राफर एफ रत्ज़ल जो है, उनको मॉडर्न पॉलिटिकल ज्योग्राफी का फादर कहा गया है, क्योंकि उन्होंने अलग अलग कंट्रीज़ और उनके फिजिकल बैकग्राउंड के रिलेशनशिप के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दिया है, बताया है, जानकारी मिली है उनके थ्रू। ठीक है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी का फंक्शनिंग किस तरह से होता है। द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी आर नॉट कन्फाइंड टू वन स्टेट बट एम्ब्रेस द होल ग्लोब। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में हम सिर्फ किसी भी एक सिंगल स्टेट या कंट्री को स्टडी नहीं करते, बल्कि पूरे ग्लोब को कंसिडर करते हैं। इसी वजह से वर्ल्ड को अलग अलग पॉलिटिकल डिवीजन में हमने डिवाइड करके रखा है, बांटा गया है, जिनको हम कंट्रीज़ के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्योंकि एज अ होल पिक्चर देखने जाएंगे तो कंसिडर करना या स्टडी करना इम्पॉसिबल है, इसीलिए उसको छोटे छोटे डिविजन्स में डिवाइड किया है उनके कंट्रीज़ के बेसिस पे, और फिर एज अ सेक्शन सेक्शन उठा के, जैसे कि चाहे वो अमेरिका की स्टडी हो अलग से, इंडिया की स्टडी हो अलग से, ऐसे अलग अलग सारे कंट्रीज़ को हम स्टडी करते हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी में। नेक्स्ट, अर्बन ज्योग्राफी। इस ब्रांच में हम क्या देखेंगे, इसमें एक्चुअली क्या होता है, अर्बन ज्योग्राफी इज़ द सब डिसिप्लिन ऑफ ज्योग्राफी दैट डिराइव्स फ्रॉम अ स्टडी ऑफ सिटीज़ एंड अर्बन प्रोसेसेस। इस ब्रांच में हम डील करते हैं लैंड और उसके पैटर्न्स को, सिटीज़ के क्लासिफिकेशन उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंगली। It is concerned with the study of urban centers, that is towns and cities, their morphology, spatial patterns, origin, evolution, functions, problems and so on. ठीक है, इसमें जो भी cities है, towns है, किस तरह से function करता है, कैसे develop हुआ है, ये सब कब हुआ है, कहाँ से हुआ है, किस तरह से हुआ है, ये सारी चीज़ों को cover करता है इस branch में। आपको ये सारी चीज़ें जो भी एक city से related है, town से related है, development से लेकर उनके functioning तक, सब कुछ इस geography में पाया जाता है, इस branch में cover किया जाता है। Next, anthropogeography। एंथ्रोपोलॉजी और ज्योग्राफी को मिला के हमने ये वर्ड एंथ्रोपोजोग्राफी डिराइव किया है। इस ब्रांच में क्या होता है, एंथ्रोपोजोग्राफी इज द ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी दैट स्टडीज द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन काइंड एंड द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड देयर एनवायरनमेंट। मतलब एंथ्रोपोजोग्राफी में हम ह्यूमन बींग्स, इंसान को इस एनवायरनमेंट, पर्यावरण से क्या मिलता है, किस तरह से वो देखता है, इसमें किस तरह से वो रहता है, ठीक है, अलग अलग कम्युनिटीज़ में, रीजन्स में पाए जाते हैं, इस स्टडी को एंथ्रोपोलॉजी आप कह सकते हो कहा जाता है, या एंथ्रोजोग्राफी भी, पोजोग्राफी भी कहा जाता है। ठीक है, फाइनल स्कोप है हमारा कार्टोग्राफी। अब कार्टोग्राफी क्या चीज़ होता है, जब हम बात करते हैं वर्ल्ड या अर्थ के बारे में, तो वहाँ पर हम लोग का ये दिमाग किस तरफ जाता है, मैप की तरफ जाता है। हमारे दिमाग में एक मैप का पिक्चर बनने लगता है, ग्लोब का पिक्चर बनने लगता है। तो कार्टोग्राफी एक्चुअली क्या है, द साइंस और प्रैक्टिस ऑफ ड्राइंग मैप इज नोन एज कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी एक्चुअली एक साइंस, या फिर कह लीजिए मैप्स को ड्रॉ करने का एक प्रैक्टिस है, जिसे कार्टोग्राफी हम लोग कहते हैं। ठीक है, मैप मेकिंग इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ बोथ साइंटिफिक एंड आर्टिस्टिक एलिमेंट्स, कंबाइनिंग ग्राफिक टैलेंट्स एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ कंप्लीशन एंड डिज़ाइन प्रिंसिपल्स विद अवेलेबल टेक्निक्स फॉर प्रोडक्ट जनरेशन। मैप्स को बनाने में दोनों साइंटिफिक और आर्टिस्टिक एलिमेंट्स को अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारे ग्राफिक और प्लेसेस के नॉलेज के बाद ही एक मैप को तैयार किया जाता है। इसमें सिर्फ मैप को बनाया नहीं जाता, बल्कि ज्योग्राफर्स मैप की मदद से बहुत सारे रीजनल बाउंड्रीज का भी पता लगाते हैं, इसीलिए स्टडी को कार्टोग्राफी कहा गया है। ठीक है, जिसके वजह से ज्योग्राफी को साइंस
हम कंसिडर किया जाता है। सो ऑल इन ऑल हम ये कह सकते हैं कि ज्योग्राफी अर्थ की स्टडी है जो ह्यूमंस का घर है, हम ह्यूमन बींग्स का घर है। तो यहीं पे आज का हमारा सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ज्योग्राफी के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल चुका होगा और आप किस तरह से इसे अपनी ज़िंदगी में चेंजेस कर सकते हो, अपने क्लासरूम में यूज़ कर सकते हो, इसके लिए भी आपको हेल्पफुल हो। ठीक है, तो यहीं पर हम लोग ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को टैप कीजिएगा सो दैट आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।